भिंड संत रविदास की जयंती पर भाजपा सांसद सहित कई आला अधिकारी हुए शामिल। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस संतों के प्रति भाव नहीं रखती, लेकिन भाजपा रामराज लाना चाहती है। भिंड में संत रविदास की जयंती पर निराला रंग बिहार मेला ग्राउंड में मनाई गई, जिसमें सांसद संध्या राय, भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू गुर्जर, एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसडीएम उदय सिंह सिकरवार, एटीएम प्रवीण फूल पगारे, जिला पंचायत सीईओ जेके जैन के साथ कई आला अधिकारी और संत समाज और कई लोग शामिल रहे। आपको बता दें कि इसमें मुख्य अतिथियों ने संत रविदास की जयंती पर उनके छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। सांसद संध्या राय ने कहा कि भिंड में पहली बार संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई है, आगे भी ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। सांसद संध्या रानी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का भी बखान किया। भाजपा जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने भाजपा को लोकप्रिय सरकार बताते हुए कहा कि कांग्रेस का संतों के प्रति कोई आधार भाव नहीं है। भाजपा देश को राम राज्य दिलाना चाहती है, जिसमें संतों का मान सम्मान करना भी वो जानती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे संध्या राय द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जो मेरे साथी अभी जेई मेन्स या जेई एडवांस की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, वो अपने आप पर विश्वास रखें। हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू एंड बिलीव। वो तो सबको ही अच्छा लगता है जब कोई सफलता मिलती है, लेकिन अपने साथ के बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखो। मतलब कहीं मतलब कम भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन मेहनत करना मत छोड़ो। मैं संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए उनको नमन करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, यह भिंड जिले में पहली बार कार्यक्रम हुआ है और बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिले पर, ब्लॉक पर और पंचायतों में एक साथ पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने आज इस अवसर को एक उत्सव के रूप में पूरे प्रदेश को दिया है और हम सबको दिया है। और इसी तरह हर वर्ष कोशिश रहेगी हम लोगों की कि भिंड में भी हर वर्ष हम लोग मनाएं। सरकार लोकप्रिय सरकार है, अब कांग्रेस पे तो किसी प्रकार की जयंतियाँ और बगैर महापुरुषों के प्रति उनका तो आदर भाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो इस देश को राम राज्य की ओर ले जाना चाह रही है, तो राम राज्य की ओर ले जाना चाहेंगे तो संतों का हमें सम्मान करना होगा, संतों की जयंती मनाना होगी, महापुरुषों की जयंती मनाना होगी और इस देश के जो राष्ट्र नायक हैं उनकी जयंतियाँ मनाएंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर चल